जी अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूँ खालिद बट। इस वक्त आप देख रहे हैं फ्रॉडकास्ट। फ्रॉडकास्ट का मकसद जो है खवातीन हज़रात वो ये है कि आपको इस किस्म की शख्सियात से मिलाया जाए जो इस माशरे की किसी एक सोच की कासी करते हैं ख़ास किस्म की। आज जो हमारे मेहमान हैं, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़े लिखारी, अपने अंदर एक इंटेलेक्चुअल और अपने अंदर एक बहुत बड़े शायर और मुफक्किर, और वो सारी खूबियाँ उनमें मौजूद हैं और वो टेलीविज़न पे आके और यूनिवर्सिटीज़ में जाके हमें उसकी वो खूबियाँ बताते भी हैं। मैं कोरिया मकबूल जान साहब की बात कर रहा हूँ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़। बहुत बहुत शुक्रिया है बट साहब आपका, लॉर्ड द पावा और ये अल्लाह, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आप सर, आप तशरीफ़ लाए, ये मतलब तशरीफ़ अगर ले भी आते। पाकिस्तान का सबसे बुनियादी मसला क्या है? ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बुनियादी मसला है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। ठीक है, अगर आप देखें कि हमारे पड़ोसी मुल्क में जो है तालिबान की जब रिजीम आई है, ठीक है, तो उन्होंने जिस तरीके से इस मुल्क को चलाने की कोशिश की है, जिसका नाम हमने अफगानिस्तान रखा हुआ है, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। हम इसी तरीके की कोई चीज़ चाहते हैं कि उसके लिए इमरान खान एक ऐसा टिमटिमाता हुआ सितारा था, एक सितारा था जो टिमटिमा रहा था उफक के उस पार, ठीक है, नीलगो आसमान के ऊपर, और उसको फिर रिजीम चेंज के ज़रिए निकाल दिया गया, गिरा दिया गया। और मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों में तरक्की की मंजिल तय करे। ठीक है, बखुदा मेरी ये जाती है फिर। ठीक है, नहीं तो ओरिया साहब क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है बेहयाई है, और बेहयाई जिस तरीके से नंबर आजमा हो चुकी है, इस माशरे के अंदर सराइत कर चुकी है। मैंने तो ये तजवीज़ दी थी, जो माजी की हुकूमत थी, मैंने तजवीज़ दी थी, इमरान खान साहब को तजवीज़ दी थी कि आप एक ऐसी फोर्स बनाएं जिसका सरबरा मुझे लगाएं कि हम अपनी मोबाइलें लेके जाएंगे और जो भी खवातीन बसों में, स्टॉपों में, इधर उधर खड़ी है, स्कूल कॉलेजों में जा रही हैं, उनको हम रोक रोक के ऐसी ऐसी लानतें देंगे, उनको लानत देंगे ताकि उनको एहसास हो। ये मैं लेकिन पाकिस्तान की फिल्म परसों मैं आपको बताऊँ, परसों मैं एक टीवी का इश्तिहार देख रहा था, एक बिस्किट का इश्तिहार था, उसमें एक लड़की नंगा बिस्किट तो नंगा था। भाई सर्दियाँ, उसको स्वेटर पहना था, बिस्किट को उन्होंने स्वेटर नहीं बनाया, लेकिन आप देखें कि उन्होंने किया कि इश्तिहार बनते हैं बिस्किट अंडे बिछवाड़ा, और लड़की जो है वो देखें आप ऐसी, उसको एक कह लें कि बेहयाई हुई है कि एक लड़की चलती हुई और उससे बिस्किट खाया और कपड़े उसने पहने हुए थे, और मुझे कह लेने दीजिए माशा चका चकी कि कपड़े उसने पहने थे, नहीं पहना हुआ था, इतनी बेहयाई खातून ने। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं सर? आपने किस ये, ये, ये यहाँ 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 पर ये माशरा, ये देखिए वेस्ट का जो सेकुलरिज्म है, ये जो सेकुलरिज्म है वेस्ट का, ये लेकर आ, ये इसने किया, इसने बुनियादी तौर पर दो चीज़ें की। आप देखें जमील, दो चीज़ें की बुनियादी तौर पर, एक चीज़ ये की है कि जमील नहीं है सर, जो भी दो इकदार जो है, एक तो उसने ये किया कि आपके इकदार के ऊपर हमला किया है, आपकी सोच और फिक्र के ऊपर हमला किया है, ये वेस्ट आपका सेकुलरिज्म लिबरलिज्म के तहत हमला करके उन्होंने ऐसा कर दिया है कि लोग बर्बाद हो गए, लोग बेहयाई का नीस्त नबूद का शिकार हो गए। नहीं, मैं ये सारी जो आपने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन मैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का मसला पूछ रहा हूँ। बुनियादी फिल्म का मसला क्या है? हाँ, फिल्म का मसला क्या है? जट का मौला और ये सब बताएं। अब फिल्म का मसला बड़ा आसान है कि अब देखें आप, इन्होंने मौला जट जो एक पाकिस्तान की एक फिल्म बनाई है, मशहूर किरदार जो है, और या मकबूल जान साहब आपने देखी है फिल्म? नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ, मैंने देखी भी है, मैंने पुरानी भी देखी है, ये भी देखी है। वो वाली फिल्में देखी है आपने? मैं सब बता रहा हूँ, मैं वेबसाइट के ऊपर भी आऊँगा, ऐसा नहीं, मैं वेबसाइट के ऊपर भी आऊँगा। अच्छा, मैं आपके वो जो है वो नफ्स की जो दूसरी तीसरी चीज़ें हैं उनके ऊपर भी आऊँगा। ठीक है, देखिए सेकुलरिज्म ने क्या किया है फिल्म इंडस्ट्री के साथ, सेकुलरिज्म बर्बाद कर चुका है इस फिल्म इंडस्ट्री में। आप देखें सेकुलरिज्म ने लिया है कि वो आके कहती है कि वे मौलिया मैनू एक चंगा जा, तेन मौला नहीं पसंद है, तू दूसरा मौला कर ले, एक ऐसी यानी कि बेरार भी आप फिल्मों के डायलॉग आ रहे हैं कि बच्चियां जो है चूज करने लगे हैं लड़कों को। और ये सर, ये जो 8 बजे जो शोज आते हैं हमारे सियासी शोज के, आप भी हिस्सा होते हैं, और आप तो एक नियो पे एक शो भी करते थे,
और नहीं, वो एक साहब है जो अपने आप में अकेले खुद समझते हैं अपने आप को, उनके आने से मेरे कुछ नजरियाती इख्तलाफात हो गए थे, फिर मैंने छोड़ना पड़ा। कौन साहब? सर एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनकी वजह से मुझे ये जाना पड़ा। और मैंने इनको कह दिया था नियो वालों को, ये बट वगैरह जितने भी ये बैठे हुए हैं लाहौर केस के अंदर, एक आध और ना भी चीमा क्या ठीक है, खैर उसको भी मैंने कह दिया, मैंने कहा मैं इस दफ्तर के अंदर बिल्कुल नहीं आऊँगा। ठीक है, मैं आप किस इकदार की बात करते हैं, आप किस इकदार का सेकुलरिज्म में बात कर रहे हैं? कोरिया आदमी मारो यार, टेबल तोड़े हो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा बंदा जब बैठ जाओ, चुप कर। सॉरी सर 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 सॉरी, आराम से करें। सॉरी सॉरी करता हूँ मैं, सॉरी सॉरी। ठीक है बोले। तो देखिए ये जो है, ये जो काइमेरिज्म जो है, इसने क्या किया? काइमेरिया क्या करता है कि एक साइड आपकी बिल्कुल सफेद करता है और दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल खराब करता है। एग्जैक्टली यही चीज जो है वो पाकिस्तान जैसे एक मुल्क जिसकी माशरी इकतदार थी। ठीक है, कायद आजम ने 1965 के अंदर, जब आप देखें मेरे दादा ने उनके जलसे के अंदर ईंटें मारी हुई हैं, मुझसे कुछ नहीं छुपा हुआ। तो जब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है वो बहुत एक अच्छे सोच के आदमी थे, ठीक उनकी तो आपने किसी को तो बोला कैसे ना आपके अलावा? तो मेरा ख्याल नहीं, मैं देखें एक ही आदमी पाकिस्तान को मिला है, मैं मुझे कह लेने दीजिए कि वो उसका नाम था जनाब इमरान मोहम्मद खान नियाजी साहब। जितना मैं कहता हूँ पुरजोश बलबला और जितना उसकी फॉलोइंग थी, और मेरे जैसा एक ऐसा आदमी जो उसने पूरी जिंदगी मसला समझ नहीं आता ना। अभी मैं कल परसों देख रहा था, आप एक साफी खातून से ना बच्चा, उनसे भी उनसे आपकी बातचीत, आपके अंदर एक वो जो है ना कि मैं आई नो एवरीथिंग। तो देखिए इसका डिबेट से बात होगी ना, इसका हल डिबेट से होगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं उसकी इज्जत करना शुरू हो जाऊँ। देखिए जेंडर जो है इक्वालिटी की अगर बात करें तो आप मुझे इस तरह फ्रेम नहीं कर सकते, आप फ्रेम नहीं कर सकते, आप बिल्कुल फ्रेम नहीं कर सकते। ठीक है, आप बताएं इस मुल्क के कई दफा इस करते करते गए मेरी रूह निकलती है और यहाँ से बात बताती है। आपको क्या पता है? आप ठीक है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये इस मुल्क में इस वक्त आप कौन सी बेहतरीन सोच है जो इस वक्त नुमाइंदगी कर रही है हमारे अच्छी सोच के लोग जो उनकी? माशाल्लाह तीन ऐसे लोगों के मैं नाम लूंगा आपकी रूहे का, इस वीडियो को आपने आखिर तक देख रहे हैं, ऐसे तीन नाम लेने वाला हूं मैं। ठीक है, जिनकी सोच अगर इसमें परवान चढ़ जाए, सराइत कर जाए, आप यकीन करें इस पाकिस्तान कैसे क्या हो जाए रातों रात। ये लिबरल सेकुलरिज्म की वॉर आ रही है, इस वॉर को हमने टकल कर देख ली। उसमें सबसे पहले जनाब इज्जत माफ खलीलुर रहमान कमर साहब, मैं कहता हूँ जिस तरीके से वो इन औरतों को लताड़ता है, लताड़ के रख देता है इनको, एक नंबर वन वो हो गया। नंबर टू उसमें मैं कहूँगा आफ्ताब इकबाल, आफ्ताब इकबाल सॉरी सर आफ्ताब इकबाल, सर आफ्ताब इकबाल जो है वो पाकिस्तान का एक ऐसा नाम है, एक ऐसा सितारा है जो पाकिस्तान को कई मतलब सदियों बाद एक आपको मिला है, उसकी सोच बेहतरीन सोच। और तीसरा कौन सा है हमारी पार्टी का? इमरान रियाज खान। ठीक है, उसका एक अपना है कि वो एक लकड़ बकड़ की तरह तीतरों का शिकार किया है, तो तीतरों का शिकार करना कौन सा मुश्किल? ये अलग लोग हैं, अलग ये अलग है, माशरा सुधारना है तो इनकी सोच पर बांध चला दें। अब पाकिस्तान खुदा की कसम लिबरलिज्म सेकुलरिज्म के अगेंस्ट खड़ा होने वाला सबसे पहले वाइज मुल्क बन जाएगा। ठीक है, अगर नौजवानों में ही आ गया जी। और आप ये क्या समझते हैं ये जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है इस मुल्क में, जो रिजीम आप जिसको कहते हैं उसके बारे में ख्याल है वो इस मुल्क से? देखे ना अमेरिका ने किया क्या है, अमेरिका ने सबसे पहले पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम अपने पड़ोस की बात करते हैं ना। नहीं लेकिन इमरान आपके लीडर ने बोल दिया अमेरिका का लेना देना, हमारा लीडर है जो भी है। देखें सबसे पहले पाकिस्तान ने किया क्या है, देखें हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ये जो मोदी सरकार जो आई है, मोदी सरकार लाने वाला कौन था? मोदी सरकार लाने वाला अमेरिका था। ठीक है, और ये साहब लेकिन उसके बाद अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने देखा कि ये साहब उसने चढ़ाई कर दी, अमेरिका ने चढ़ाई कर दी और अमेरिका चला गया ये अपना इराक की तरफ, ईरान उसने तबाह किया, उसने बराबर में हमारा पड़ोस। तो अब उसको ये चीज खलती है, इसको खलती है कि एक ऐसे थिंकर बड़े बड़े पैदा हो गए हैं और ये मकबूल जान की शक्ल में कि जो आगे उनको कन्फ्रंट करते हैं। लेकिन आप ये सारी अच्छी बातें करें, पिछले दिनों आपने ट्विटर पे कोई कुछ, मैं माजरत करता हूँ ये बात करते हुए आपसे, मेरी गलती, मैं समझ गया आपने कुछ ऐसी चीज़ें लाइक की हुई थी जो और आपके बारे में वो हिलती गाड़ियाँ और सारा वो मामला। देखिए बात सुने, आपको रेसिंग का शौक है, हिलती गाड़ियाँ, मैं सब बताता हूँ आपको। जो मैंने आपको बताऊँ कि वो जो चीज़ लाइक की थी, मेरी गलती है, मैं कौन क्या? देखिए अच्छा आदमी कौन होता है? अच्छा आदमी वो होता है जो एडमिट करता है अपनी गलतियाँ। मेरी गलती ये थी कि मैंने स्क्रॉल करते हुए सीधा हाथ को इस्तेमाल किया जिससे लाइक का बटन दब गया। अच्छा
सही, हालांकि उसको उल्टे हाथ से करना चाहिए था, दखल लायक ही ना होता और हाथ से मुस्तफीद भी होते और देखते कि वो साजिश किस तरीके से। लेकिन सर वो जो है, मैं जितनी वेबसाइट देखता हूँ मैं साजिश की वजह से देखता हूँ कि साजिश कर करके उन्होंने नया कौन सा पोज मुतारिफ करा दिया। सर वो जो अल गदे, नया कौन सा पोज, गदरम क्या कहते हैं, अल्डरम, सॉरी एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जो होता है जी उसकी बात कर रहा हूँ। और देखिए कोई नहीं है, वो वीडियोस तो उसी के पास आती है ना, और ये सब जो इस तरह के कंटेंट देखता है। देखिए बेस्ट के स्कूलों में सिखाया क्या जा रहा है, सबसे पहले तो वेस्ट के स्कूलों में सिखाया क्या जा रहा है, हल करते हैं ना सर। देखिए वेस्ट के क्या सिखाते हैं, अच्छा वेस्ट के स्कूलों में ये सिखाया जा रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जिससे बादल के साथ आके, तो सुना है कि अपने लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चे लोगों के जो सारे इसको इनके लिए चली जाए कुछ मसला, कोई देखे इस चक्कर के अंदर मैंने अपने चार होस्ट तब्दील किए हैं कि जब मैं फूल भी कह रहा होता हूँ तो वो बीच में कूदते हैं और अपनी बात करते हैं। नहीं आप तो होस्ट होंगे जो भी होंगे, मैं कह रहा हूँ वहाँ कौन सा हेलोवीन में जा रहे हैं, हम तो पढ़ने जा रहे हैं। नहीं तो मैं मुझे कई लोग कहते हैं कि आपने हेलोवीन वाला जो गेटअप है जो जॉन साहब अभी तक उतारा नहीं है आपने गेटअप करके भूल गए, ऐसे भी कई लोग हैं जो मुझे कहते हैं। देखिए बात ये नहीं है, बात यह है कि लिबरल सेकुलर ये निज़ाम तालीम जो है ये जो जमहूरियत की राह में हमें जो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है वो है क्या। देखिए उसके अंदर वहाँ के स्कूलों के अंदर ये हो रहा है कि वो छोटे छोटे बच्चों को जो है वो सिखा रहे हैं कि आपने मतलब एजुकेशन दे रहे हैं वो लोग एजुकेशन। नहीं तो क्या वो तो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मैं ब्रेक ले लूं। नहीं एक चीज प्रैक्टिकल है, आप उसको एजुकेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है अप्लाइड फॉर्म में होगी वो, ठीक है वो कभी भी थ्योरेटिकल नहीं होगी, थ्योरेटिकल वो चीज नहीं। हर गलत चीज पे ना आपको मशवरा जरूर आता है, कोई फिल्म बैन हो जाए, कोई वो भी पिछले दिनों एक फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए, नहीं कोई फिल्म बैन हो जाए हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। देखिए मैंने अपने नजरियाती हदूद की हिफाजत करनी है पाकिस्तान की, ठीक है और मैं उसके लिए सीना सफर हुआ हुआ खड़ा हुआ तो मैं बिल्कुल अच्छी कोई बात नहीं है जी। अच्छा क्विक ब्रेक खवातीन हज़रात और ये मकबूल जान साहब इस वक्त हमारे साथ ब्रॉडकास्ट में, हॉलीवुड देखिए क्या करता है, मेरे क्वेश्चन को ड्रॉप, अगली दफा हॉलीवुड पे बात करेंगे जी, वापस आके हॉलीवुड पे बात करेंगे। और ये मकबूल जान आए तो हमने इस किस्म की बातें करनी, साबुन का इश्तिहार, बिस्किट का इश्तिहार, नंगपन, ऐसे सर मसले नॉन का इश्तिहार, क्योंकि आप ज्यादा इंटरेस्ट आपको मुझे लगा मेरा क्या आपका नहीं है हल्फन में, यही बात मुझे जो मुझे जो मुझे तनकीद करता है क्या वो नहीं देखता तो मुझे बता दे। मैं नहीं देखता सर, आपने शैरन स्टोन को फेवरेट करा दिया है, आपने कहा शैरन स्टोन फेवरेट है, ठीक है मुझे क्या पता वो आजकल आप लोग नाम लेते करके कौन है कौन सा तो नहीं पता था उसका, लेकिन कौन है सर आप ही ने भी मुझे बताया, आपने देखा बहुत टाइम, मैं कहता हूँ कि उसके जो कारनामे हैं जो कारनामा कर रहा था ऐसा करो, ठीक ऐसा करो कारनामा के बियॉन्ड एवरीथिंग आप जाके उसको खेलने की कुछ। सर आप ठंडे हो, मैं क्विक ब्रेक लेता हूँ, ब्रॉडकास्ट का मकसद ही आपको इंटरप्ट ना करूँ क्योंकि इसमें आपकी मेरी वजह से आपने नाम चेंज कर दिया प्रोग्राम का। नहीं सर ऐसे ही था ये। अच्छा ब्रॉडकास्ट आपको भी कहते होंगे लेकिन हमारा भी नाम। अच्छा सही, क्विक ब्रेक वापस आते हैं, ठीक है मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद है।